तो हेलो, वेलकम टू चैनल। तो देखो भाई लोग, 16 तारीख आने को है और आदिपुरुष रिलीज होने वाली है, ठीक है। तो अभी तक इसकी एडवांस बुकिंग कहाँ तक पहुंची है, इन सब के ऊपर अपन बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा दो टीजर और एक मूवी अनाउंसमेंट जो अपन को सुनने को मिला है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। आदिपुरुष की जो हाइप है वो किसी से छुपी नहीं है, पूरा इंडिया इस मूवी के लिए वेट कर रहा है, ठीक है, कि ये मूवी कैसे होने वाली है। और सबसे ज़्यादा लोग इसके लिए वेट कर रहे हैं कि इसकी कमियां उनको दिखे और वो इसके ऊपर मजाक उड़ाए। और इसका VFX CGI अभी तक ट्रेंड में चल रही है कि इतना ख़राब है। और इसका जो फाइनल ट्रेलर आया था उसमें तो ये चीज़ें और दिख रही थी कि अभी तक कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ है। तो लोग और एक्साइटेड है कि कैसा होने वाली है मूवी। इसकी जो एडवांस बुकिंग है ये चालू हो चुकी है, और अब तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक इस मूवी ने 6 करोड़ का एडवांस बुकिंग कर लिया, ठीक है। सब मिला के, सब लैंग्वेज को मिला के इसने 6 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, ठीक है। और इसके बाद अभी तक एक पूरा दिन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आराम से 10 करोड़ का जो एडवांस बुकिंग है वो पार कर लेगी, ठीक है। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था, इसका जो ओपनिंग कलेक्शन होगा वो सब रिकॉर्ड तोड़ेगा, और ये मूवी रिकॉर्ड तोड़ेगी, ठीक है। भले ही वो नेगेटिव में हो गया पॉजिटिव में, मगर ये रिकॉर्ड तोड़ेगी जरूर। और हर एक जन इस मूवी के लिए इंतजार कर रहा है कि ये मूवी कब रिलीज हो, और सब देखना चाहते हैं। सबसे पहला रावण का लुक जो इन लोगों ने दिखाया ही नहीं है वो देखना चाह रहे हैं। उसके बाद जो इन लोग एकदम काला काला करके छुपा रहे अपने CGI VFX उसको देखना चाह रहे, ठीक है। और मुझे लगता है पूरे मूवी में इन लोग ने डाक ही कर दिया होगा, ठीक है। अभी तक जितना भी इसका प्रमोशन, इस मूवी का जितना भी अपन को अभी तक प्रमोशन का माल दिखा है, उसमें सबसे अच्छा इसका जो गाने वो है, ठीक है। जितने भी गाने इसके रिलीज हुए वो सब बढ़िया है, ठीक है। बाकी तो देखो, कहानी सबको पता है कि कहानी क्या होने वाली है। देखो अभी तक इसने 6 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, तो ये आराम से 12-13 करोड़ तक जा सकती है एडवांस में, ठीक है। उससे ज़्यादा भी जा सकती है अगर इसने बहुत ज़्यादा जंप ले लिया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जो दो टीजर रिलीज हुए, ठीक है, एक तो एनिमल का और एक गदर 2 का। जो गदर 1 है उसको वापस रिलीज किया गया था, उसके साथ ही उसका टीजर भी रिलीज कर दिया था, मगर यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया था, वो सिर्फ थिएटर में दिखाया। जो टीजर है वो अपन को पूरा गदर 1 की वाइब देता है। एक तो 1971 के बीच में ही ये मूवी टेक प्लेस करने वाली है। लास्ट में जो गाना बजता है वो पूरा गदर 1 का अपन को याद दिला देता है, ठीक है। और इसके अलावा जो एनिमल का अपन को पी टीजर देखने को मिला वो भी बहुत अच्छा था, ठीक है, वो यूनिक था। ये अपन को पी टीजर देखने को मिला है, ये मूवी में नहीं होने वाला है, ठीक है। जो भी अपन ने इसमें देखा वो सिर्फ इस पी टीजर के लिए ही शूट किया है, और मूवी में वो अपन को देखने को नहीं मिलने वाला। जितना भी अपन को पी टीजर में देखने को मिला उससे एक चीज़ तो कंफर्म है कि जो डायरेक्टर बोल रहा था कि मैं सबसे वायलेंट पिक्चर बनाऊंगा वो झूठ नहीं बोल रहे थे। मगर एक चीज़ ये है, इसमें जितना भी फाइट सीक्वेंस था वो बहुत एकदम चोपी देखने को मिला। तो ये मूवी में ना हो पूरा प्रॉपर अपन को फाइट सीक्वेंस दिखाया है, ऐसा काट काट के ना दिखाया। और इसके अलावा OMG 2 का भी अपन को पोस्टर देखने को मिला है जो 11 अगस्त को आएगी, ठीक है। और ये तीनों मूवी 11 अगस्त को आने वाली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मूवी पोस्टपोन होने वाली है, ठीक है। और अगर पोस्टपोन कोई मूवी होती नहीं है तो ये तीनों मूवी के लिए खराब बात होगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा अक्षय कुमार के लिए, क्योंकि जो हाल ही में उनकी पिक्चर है फ्लॉप हो रही है, दो मूवी इतनी हाइप अप है उसके साथ ये अपनी मूवी डालना वो सही नहीं रहेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है OMG 2 ही पोस्टपोन हो सकती है, ठीक है। और अगर उनको रिस्क लेना ही है तो वो पोस्टपोन नहीं करेंगे, ठीक है। ये तीनों मूवी 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है, तो इन तीनों का जो टीजर है वो अपन को आसपास में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस मंथ के एंड तक अपन को शायद से एक ना एक मूवी का टीजर देखने को मिल ही जाए, ठीक है। बस यार, ये वीडियो आता कि रखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक या डिसलाइक करके जाना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो बोलता हूँ वही बोलूँगा। फॉलो इट एंड पीस आउट, बाय, और सब्सक्राइब करो।